उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से एक बड़ी खबर प्रकाश में आ रही है, जहां थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम छिल्ला के पास दो व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। घायल अवस्था में दोनों को जिला अस्पताल ललितपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मरा घोषित कर दिया तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ललितपुर जनपद के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम कल्याणपुरा निवासी नीरज और सूर्यपाल बानपुर बाजार से सामान की खरीदारी कर अपने घर वापस लौट रहे थे कि तभी पीछे से अज्ञात वाहन ने उनमें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ललितपुर में उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने नीरज को मृत घोषित कर दिया था तथा मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया था, तो वहीं सूर्यपाल गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है। उधर जैसे ही घटना की सूचना मृतक के परिजनों को हुई तो उनके घरों में शोक और मातम की लहर छा गई और कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बानपुर पुलिस उक्त मामले की जांच में जुट गई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। ये क्या मामला हो गया, क्या घटना घट गई? ये दो लड़के हमारे गांव बिल्ला के नीरज और सूर्यपाल बानपुर गए थे बाजार करने, दवाइयां वगैरह लेने गए थे। वहां से लगभग 6 किलो लगभग लौटे बानपुर से, तो छिल्ला ग्राम पड़ता है, वहाँ अज्ञात वाहन यानी टक्कर मार दी मोटरसाइकिल से थी। कोई फोर व्हीलर में कोई बना रहे थे वहाँ, कोई फोर व्हीलर में टक्कर मार दी वो चली गई। और एक नीरज नाम के लड़के हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई है। और सूर्यपाल की हालत गंभीर है, तो अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। दोनों कौन लगते हैं रिश्ते में? ये तो पड़ोसी समझ लो, मोहल्ला के हैं, पड़ोसी बरादरी के हैं। अच्छा अच्छा, एक की हालत क्या है? एक तो खत्म हो गए हैं। अच्छा, नीरज। सूर्यपाल की हालत अभी गंभीर है, इमरजेंसी में है। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? छिल्ला, छिल्ला ग्राम पंचायत छिल्ला। थाना कौन सा लगता? बानपुर।